मजदूरों का सफर अभी भी जारी है। मुंबई से कल्याण से पैदल निकला युवक रोहित निवासी प्रतापगढ़ यूपी ने बताया कि 5 साल से मुंबई के कल्याण टोल पर पानी की बोतल बेचने का व्यापार करता था। मैं अकेला ही टोल के पास ही एक टपरे में रहता था। लॉकडाउन लगने से काम धंधा बंद होने और वाहन न चलने से पैदल गाँव के लिए निकला हूँ। मुंबई से बिजासन घाट तक आते आते 4 दिन का समय लग गया है। कुछ दूर वाहन में बैठकर और कुछ दूर पैदल आया हूँ। बिजासन चेकिंग पॉइंट में पुलिस कर्मियों ने एक ट्रक रुकवा कर बिठा कर रवाना किया है। बिजासन से सचिन जायसवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित कुमार सिंह। कहाँ के हो? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ यूपी। हाँ। कहाँ से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ कल्याण टोल नाका से। क्या करते हो? पानी बेचते हो। पानी की बोतल बेचते हो? हाँ। तो अभी आप कहाँ से पैदल आए हो कि वाहन से आए हो? पैदल ही आया हूँ। पैदल ही? तो पैदल क्यों आना पड़ा आपको? पैसे नहीं है सर। ओ, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है? हाँ, लॉकडाउन। तो घर क्यों जा रहे हो? घर जा रहे हैं, मजबूरी है, घर जाना है, माता जी को मार दिए। तो अभी कहाँ हो आप? बिजासन घाट में। हाँ? अभी बिजासन घाट में हो ना? हाँ। कितना समय लगा आपको यहाँ तक आने में? 4 दिन लगा। तो वाहन से कोई गाड़ी का साधन से आया हो क्या? खाली वो बाइक वाले से साइड मिला, ट्रैक्टर वाले से मिला, बस ज़्यादा नहीं मिला। कुछ दूरी पे वाहन से, कुछ दूरी पे पैदल। अभी यूपी यहाँ से कितना दूर होगा आपको? बहुत दूर है। अभी एमपी है, एमपी से फिर मध्य प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पकड़ो तो अपना देश पहुँच गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।